Hi friends, subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आ गए हम वापस एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं करियर और कोर्सेज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसीएनपी कोर्स के बारे में। सीसीएनपी कोर्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किन लोगों को करना चाहिए, कितना खर्चा आता है और कहाँ से करना चाहिए, और इसके बाद जॉब के क्या चांसेस होते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने लाल बटन पे ठप्पा नहीं लगाया है और वेल पे अंगूठा नहीं लगाया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। और मैं इस तरीके के बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके काम के होते हैं। और मेरा एक और चैनल है केएनपी ब्लॉग्स, आप उसे भी देख सकते हैं फीचर चैनल के लिस्ट में जाकर। तो अब बात करते हैं सीसीएनपी कोर्स के बारे में। सीसीएनपी कोर्स का जो पूरा नाम है वो है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। तो एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के बाद सिस्को कहता है कि आप इतने एबल बन जाते हो कि आप 500 से लेकर 1000 कंप्यूटर्स तक के नेटवर्क को आसानी से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा जिस तरीके से सीसीएनए कई ट्रैक में आप कर सकते हो, कई सेक्टर में आप कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से सीसीएनपी भी आप कई सेक्टर में कर सकते हो। तो जो सबसे पहला सीसीएनपी होता है वो होता है आपका राउटिंग एंड स्विचिंग, उसके बाद होता है सिक्योरिटी, उसके बाद होता है आपका कोलैबोरेशन, उसके बाद होता है आपका डेटा सेंटर, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर, और उसके बाद वायरलेस, और उसके बाद एक दो और भी हैं। तो इन अलग अलग फील्ड में आप सीसीएनपी कर सकते हो। तो अगर आप राउटिंग एंड स्विचिंग में करते हो तो आप राउटर स्विच को मैनेज करना, इम्प्लीमेंट करना, मैनेज करना और ट्रबल शूट करना सीखते हो। सिक्योरिटी में आप करते हो तो आप फायरवॉल पे, एडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस पे, फायर पावर पे, इन सब चीजों पे काम करना सीखते हो। बेसिकली आप एक सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाते हो। वैसे अगर आप डेटा सेंटर पे करते हो तो आप डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हो, जो डेटा सेंटर पे टेक्नोलॉजीज काम आती है सिस्को की, उन चीजों के बारे में आप पढ़ते हो और उन चीजों के बारे में आप सीखते हो। वैसे सर्विस प्रोवाइडर में आप जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, आईएसपीज होती हैं, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इनका जो नेटवर्क होता है उस पर आप काम करना सीखते हो और उस पर ट्रबल शूट करना सीखते हो। वैसे वायरलेस पे आप वायरलेस नेटवर्क बनाना सीखते हो। वैसे जो कोलैबोरेशन होता है उसमें आप वॉइस और वीडियो का जो ट्रैक होता है, जो सिस्टम होता है, उस पर आप काम करना सीखते हो। तो ये अलग अलग ट्रैक होते हैं सीसीएनपी के, जिस तरीके से सीसीएनए के होते हैं उस तरीके से सीसीएनपी के भी होते हैं। तो आप इनमें से जो आपको इंटरेस्टेड लगे उस पर आप कर सकते हो। तो सबसे सस्ता होता है सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग, उसके बाद सिक्योरिटी, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वो महंगे होते चले जाते हैं। डेटा सेंटर और सर्विस प्रोवाइडर के कोर्स काफी महंगे होते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसके रिक्वायरमेंट क्या है। इसके रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपको सीसीएनए की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सीसीएनपी का अगर आप राउटिंग एंड स्विचिंग करना चाहते हो तो आपको सीसीएनए का राउटिंग एंड स्विचिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सीसीएनपी सिक्योरिटी करना चाहते हो तो आपको सीसीएनए का राउटिंग एंड स्विचिंग का नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको सीसीएनए सिक्योरिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। राउटिंग एंड स्विचिंग का जो सीसीएनए है वो बेसिक है, आपको सीसीएनए का कोई भी कोर्स करने से पहले इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डेटा सेंटर भी करना चाहते हो सीसीएनपी का तो भी आपको सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग प्लस सीसीएनए डेटा सेंटर करना होता है, क्योंकि जो सीसीएनए का राउटिंग एंड स्विचिंग है इसमें आपको बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में बताया जाता है जो पूरे नेटवर्किंग करियर में आपके काम आएगा, जो पूरे नेटवर्किंग करियर का आपका बेस होता है। अब बात करते हैं फीस की। इसमें भी आपको ट्रेनिंग फीस अलग से देना होता है और आपका एग्जाम फी अलग होता है। ट्रेनिंग फीस की बात करें तो सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग की 30,000 से लेकर 50,000 तक अलग अलग इंस्टीट्यूट का फी होता है। वहीं अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आपको 50,000 से लेकर 70,000 80,000 तक अलग अलग ट्रेनिंग फी होता है। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो सीसीएनए में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग के तीन पार्ट होते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है स्विचिंग होता है, दूसरा राउटिंग होता है और तीसरा ट्रबल शूटिंग। ये बात कर रहा हूं मैं आपका सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग का। सिक्योरिटी सीसीएनपी पे भी कुछ दो तीन पार्ट होते हैं जिसमें एक फायरवॉल का और अलग अलग चीजों का तीन पार्ट होता है। इस तरीके से आपका जो दूसरे सीसीएनपी उनमें भी दो से तीन पार्ट हर सीसीएनपी में होता है, जिसका आपको अलग अलग एग्जाम देना पड़ता है। अगर मैं राउटिंग एंड स्विचिंग की बात करूं तो राउटिंग एंड स्विचिंग का जो सीसीएनपी कोर्स है इसका जो एग्जाम फी है ये $600। इसके तीन एग्जाम होते हैं, स्विच, राउट और ट्रबल शूटिंग, और तीनों एग्जाम का $200 फीस लगता है। इस तरीके से पूरा जो आपका फीस लगा वो हो गया $600 के आसपास प्लस टैक्स। तो
ये आपका एग्जाम फीस हुआ और आपका जो ट्रेनिंग फीस हुआ वो भी आपका 500 600 700 डॉलर के आसपास लग जाता है। तो इस तरीके से आपके पूरे 1100 1200 डॉलर लगते हैं सीसीएनपी सर्टिफाइड होने में। अगर आप एग्जाम देना नहीं चाहते और आप सर्टिफिकेशन नहीं लेना चाहते सिस्को के द्वारा, तो आप सिर्फ ट्रेनिंग लेके भी आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं किन लोगों को ये कोर्स करना चाहिए। सबसे पहले तो जो सीसीएनपी कोर्स है ये प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है और इसे आप हाई लेवल का कोर्स ही कह सकते हो, तो ये फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आप इसे सीख सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन जॉब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फ्रेशर के लिए। तो जो लोग रेकमेंड करते हैं, जो प्रोफेशनल्स रेकमेंड करते हैं, उनका कहना है कि सीसीएनपी कोर्स उन लोगों को करना चाहिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने सीसीएनए कर लिया, जो सीसीएनए की जॉब कर रहे हैं, जो नेटवर्किंग के फील्ड में जॉब कर रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को सीसीएनपी का कोर्स करना चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहां पे सुंदर सी लेडीज बैठी होती है, बहुत सारा मेकअप करके, स्माइलिंग के साथ आपसे बात करेगी, आपको मीठी मीठी बात बताएगी, मीठी मीठी मिठाइयां आपको खिलाएगी और आपको मुंगेरी लाल के सपने दिखाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और आप ये कोर्स कर लो और आप उनके चक्कर में पड़ जाते हो। इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सीसीएनपी का जो कोर्स है बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है और रेकमेंडेड है कि इसे वही लोग करें जो ऑलरेडी वहां पे जॉब कर रहे हैं। हालांकि जो फ्रेशर हैं उनको सीसीएनपी का नॉलेज जरूर लेना चाहिए, लेकिन सेल्फ स्टडी से, क्योंकि आप इतना सारा पैसा खर्च कर दो उसके बाद आपको जॉब भी ना मिले तो कोई फायदा नहीं है। पहले आप जाओगे कोर्स करोगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट वाले आपको बोलने लग जाएंगे एग्जाम दे दो तब जॉब मिल जाएगा, फिर आप एग्जाम भी दे दोगे, हो सकता है उसमें फेल हो जाओ, आपके पैसे वेस्ट हो जाएं, क्योंकि एक बार फेल हो गए तो आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रैप में पड़ जाओगे, तो कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों को करने का। अगर आपको सीसीएनए पे जॉब नहीं मिला तो चांसेस है कि आपको सीसीएनपी पे भी जॉब ना मिले। जिनको जॉब मिलना होता है उन्हें सीसीएनए लेवल पे ही जॉब मिल जाता है। तो जो रिकमेंडेड है वो ये है कि पहले आप सीसीएनए कोर्स करो, उसके बाद सीसीएनए कोर्स करने के बाद आपको नेटवर्किंग की समझ आ जाती है और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करके खुद बुक्स लेके सीसीएनपी का नॉलेज ले लो और इतना नॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सको। क्योंकि जब आप सीसीएनए लेवल का इंटरव्यू देने जाते हो तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको ये नहीं पता कि आप क्या कोर्स करके आए, वो कुछ भी पूछ देता है। तो जब आप सीसीएनए का इंटरव्यू देने जाओगे तो अगर आपके पास सीसीएनपी का भी नॉलेज है तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, इसके लिए आप सेल्फ स्टडी से, इंटरनेट से, यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जहां से आप सीसीएनपी सीख सकते हो, जैसे एक नेटवर्किंग करके दो चैनल हैं जो काफी अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, उसके अलावा गुरु 99 करके एक चैनल है वो भी काफी अच्छा ट्रेनिंग देता है, उसके अलावा फॉरेन के कुछ चैनल्स हैं वो भी काफी अच्छा अच्छा वीडियोस देते हैं। और आप हिंदुस्तान में हो तो आप जुगाड़ करके कुछ वो जो नगट्स होते हैं वो आप जुगाड़ कर सकते हो, पूरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, जो नगट्स है काफी फेमस है, जो यूएस का यूके का शायद है जो कोर्स है, उसके वीडियोज अगर आप लेके उसमें से पढ़ सकते हो जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप प्रेशर हो तो आप सेल्फ स्टडी करके भी सीसीएनपी का नॉलेज ले सकते हो और इस तरीके से आप इंटरव्यू पास कर सकते हो और आप जॉब हासिल कर सकते हो। और अभी जो ज्यादातर नेटवर्किंग के जॉब हैं उनमें आपको इंग्लिश काफी अच्छी आनी जरूरी होती है, क्योंकि ज्यादातर जॉब आपको ट्रेवल शूटिंग पे सपोर्ट पे मिलते हैं और वहां पे ज्यादातर वॉइस बेस्ड जॉब होते हैं जो यूएस यूके का प्रोसेस होता है, जैसे ब्रिटिश टेलीकॉम हो गया, एरिसेंट हो गया, एससीएल हो गया, एक्सेंचर हो गया, इन कॉग्निज और आपका ये जो कौन सी कंपनी है कन्वर्जिज, तो इन सब कंपनीज में जो जॉब होता है ज्यादातर वॉइस बेस्ड जॉब होता है जहाँ पे आपको ट्रेवल शूटिंग करनी होती है रिमोटली, तो इसके लिए इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए। तो आप इंग्लिश इंप्रूव करो, उसके बाद आप सीसीएनए का ट्रेनिंग लेके सीसीएनपी का सेल्फ स्टडी करके जॉब के लिए ट्राई करो, अगर जॉब मिल जाता है तो उसके बाद आप सीसीएनपी करो, सीसीआई करो, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों ये सारी कहानी थी। और हाँ, जो सीसीएनपी का कोर्स होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 3 महीने का ड्यूरेशन होता है जिसमें आप सीख जाते हो। नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको 3 महीने का टाइम लेके सिखा देते हैं, तो इससे पहले आपको सीसीएनए किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने सीसीएनए किया हुआ है तो आपको 3 महीने में ये लोग सिखा देते हैं, उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आप इसमें से बन जाते हो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल ट्रेंड इंसान। हालांकि सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको $600 खर्च करने पड़ेंगे और आप सर्टिफाइड भी हो जाओगे। तो इसका जो अब बात करते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट मतलब जो टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है
स्विचिंग की बात करें तो जो सीसीएन नेम पढ़ते हो आप, उससे दो चार चीजें ज्यादा आपको बता दी जाती है, जैसे आपको विलेन हो गया, इथर चैनल हो गया, एसटीपी हो गया, और आपका प्राइवेट विलेन्स हो गए, और आपका एचएसआरपी, जीएलबीपी और वीआरआरपी, ये सब चीजें आपको स्विचिंग में पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर आप राउटिंग की बात करें तो वही प्रोटोकॉल जो सीसीएनए में आपने पढ़ा था उसको थोड़ा डेप्थ में आप पढ़ते हो, जैसे रिप हो गया और आपका एजेआरपी हो गया, ओएसपीएफ हो गया और बीजीपी हो गया, और एमपीएलएस का जो इंट्रोडक्शन वगैरह आपको बता दिया जाता है, इंट्रोडक्शन आपको बता दिया जाता है, और बीजीपी आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है थोड़ा, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाया जाता है, और आपको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन, वायरलेस का इंट्रोडक्शन, वॉइस का इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया जाता है। तो ये सारी कहानी है दोस्तों सीसीएनपी कोर्स की। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीसीएनपी कोर्स की पूरी कहानी। अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना, जाके रिव्यूज पढ़ लेना नेट पे, और सारे इंस्टीट्यूट देख के आप चॉइस कर लेना। अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो दिल्ली में साउथ एक्स में एक दो इंस्टीट्यूट हैं, भिखाजी कामावलेश में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेट एक्सपर्ट्स इंडिया। साउथ एक्स में अगर मैं बात करूं तो वहां पे नेट लैब्स करके एक इंस्टीट्यूट है, और नेट हब और नेट लैब दो इंस्टीट्यूट है शायद वहां पे। और वैसे ही अगर मैं बात करूं जनकपुरी में, तो जनकपुरी में एक नेट टेक करके कोई इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, तो वो भी सीसीएनपी के कोर्स कराते हैं। और अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में नेटवर्कर्स होम, नेटवर्कर्स गुरु और नेटवर्क बुल्स, ये सारे इंस्टीट्यूट वहां पे हैं जो सीसीएनपी के कोर्स कराते हैं। और अगर आपको ज्यादा करना है तो आप बेंगलोर भी जा सकते हो, और नोएडा में भी एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एकेडमी ऑफ नेटवर्किंग, ऐसे कुछ करके, AITS ऐसे कुछ करके इंस्टीट्यूट है, वो भी सुना है मैंने कि काफी अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जो डेडिकेटेड सिस्को के इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे डेडिकेटेड सिस्को के कोर्स कराए जाते हैं, और इन इंस्टीट्यूट पे आप करते हो तो आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल जाती है। तो दोस्तों कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आशा करता हूँ आपको सीसीएनपी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का। तो कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।